दोस्तों क्रिकेट में सिलेक्शन के लिए बहुत पैसे खिलाया जाता है, ऐसा आरोप बहुत बार हम सुनने को मिला है और बहुत बार हमें देखने को मिला है कि न्यूज़पेपर में बहुत बार देखते हैं, न्यूज में आता है। लेकिन ये भी होता है कि क्रिकेट टीम में चांस मिलने के लिए बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर है, उमदा किस्म के क्रिकेटर है, जो कि अपना जो एज है वो छुपा देते हैं। जी हाँ, आज मैं ऐसे ही कुछ क्रिकेटर के नाम आपके साथ शेयर करूंगा और डिटेल में बताऊंगा कि क्या हुआ था। तो दोस्तों इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा स्पोर्ट्स टाइम हिंदी पे, ताकि मैं आज आपको सब कुछ बता सकूं। सबसे पहले नंबर पे अगर कहा जाए जो प्लेयर अपना एज घटाए थे या फिर एज बढ़ाए थे, वो है मनजोत कार्ला। पृथ्वी शॉ जब अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते थे, तब उसी टीम का मेंबर हुआ करता था मनजोत कार्ला। कालरा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच में एक सेंचुरी भी मारे थे और 2018 साल के नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने मनजोत कालरा को अपने टीम में शामिल कर दिया था। लेकिन 2017 साल में इससे पहले क्या हुआ था, कालरा के अगेंस्ट में आया था कि अपना एज छुपाया गया था उसके द्वारा, और जो उनका सह खिलाड़ी था यानी उनका टीम में था, उनका जो गार्जियन है यानी उनका मम्मी पापा, ये सब लोग मिलकर दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट कर दिया था कि कालरा अपना एज छुपा रहा है। तो उसके बाद DDCA कालरा को जितना भी एज रिलेटेड टूर्नामेंट होगा यानी अंडर 19, अंडर 20, अंडर 21 जो जितना भी क्रिकेट होगा उन सभी से बैन कर दिया है, और मनजोत कालरा की जो पिता माता है उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दिया है। दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे आते हैं अंकित बावने। 2012 साल की अंडर 19 टीम जो कि वर्ल्ड कप लाए थे टीम इंडिया के लिए, और उस टीम का कप्तान कौन था, उन्मुक्त चांद। लेकिन दोस्तों क्या आप ये जानते हैं, उन्मुक्त चांद से पहले अंकित बावने ही थे टीम इंडिया के कप्तान। 2011 साल के सितंबर के महीने में अपना एज छुपाने के कारण उसे जो नेशनल टीम है इंडिया नेशनल टीम से बाहर निकाल दिया गया था। असल में क्या हुआ था, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ सर्टिफिकेट में 17th सितंबर 1992 लिखा हुआ था, लेकिन उसका पासपोर्ट जो है 1st सितंबर 1992 लिखा हुआ था। लेकिन बाद में अंकित बावने और उनका फैमिली उनका एजेंट को दोष दे रहे थे क्योंकि 17 दिन का जो एज फ्रॉडिंग है वो करके क्या फायदा होता, और बाद में उन्मुक्त चांद को कप्तान नियुक्त किया गया। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं अभी कोलकाता नाइट राइडर की जान नीतीश राणा। जी हाँ, नीतीश राणा को लगभग हर इंडियन क्रिकेट फैन भली भांति पहचानते हैं। इससे पहले मुंबई इंडियंस से खेलते थे नीतीश राणा, अभी KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते हैं। बहुत सारे फर्स्ट क्लासेस मैचेस खेले थे, IPL का मैचेस खेले हैं, लिस्ट एक क्रिकेट मैचेस खेले हैं, और ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। सब कुछ ही सही चल रहा था, लेकिन अभी जो बात निकल के आ रहा है, 2015 साल में एज घोटाले के मामले में जो 23 खिलाड़ियों को नोटिस दिया गया था उनमें से है नीतीश राणा एक, और इनके ऊपर केस अभी भी चल रहा है। अभी आने वाले दिनों में देखा जाएगा क्या होता है या फिर हो सकता है। दोस्तों इस लिस्ट में चौथे नंबर आते हैं रसिक सलाम। जम्मू कश्मीर की एक क्रिकेटर IPL 2019 में जो नीलाम हुआ था वहाँ पर मुंबई इंडियंस खरीद लेते हैं इसको। ये अपने आप को 17 साल के मानते हैं और बताए भी थे 17 साल के हैं वो, लेकिन बाद में दो अलग अलग डेट ऑफ बर्थ उनका मिला है और उससे पता चलता है उसका एज 20 या फिर 21 साल था। हालांकि BCCI द्वारा 2019 के जून के महीने से अगले दो साल यानी 2021 के जून के महीने तक रसिक सलाम को बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों आपको क्या सब पता था, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। दोस्तों साथ में ये भी लिखिए क्रिकेट के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए, मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।